गाजीपुर से सपा के टिकट पर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। वो खुद तो प्रचार कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी बड़ी बेटी नुसरत भी अपने पिता के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अब अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी नुसरत के बाद उनकी छोटी बेटी नूरिया अंसारी भी चुनाव प्रचार से जुड़ गई हैं। चिलचिलाती धूप में वो क्रिकेट के मैदान में जाकर युवाओं से बातचीत करती और साइकिल को वोट करने की अपील करती दिखी। और कौन कौन वोट देगा इस अमीर आज राजी सब देगा रोजगार तो सभी खोज रहे हैं सब बेरोजगार क्रिकेट खेल रहे हैं बेरोजगारी हटाने के लिए पहले सरकार को हटाना पड़ेगा वोट दीजिएगा। ठीक ठीक जाएंगे तो सरकार की बात है सरकार को हटाने के लिए नौजवान है तो आप लोग से विनती करेंगे कि पहली जून को खुद भी वोट देने जाइएगा, आसपास जो लोग हो बुजुर्ग लोग हो उन लोग को भी वोट देने दिलवाने ले जाइएगा। ठीक है ठीक ज्यादा से ज्यादा वोट साइकिल के पक्ष में पड़े। अभी हम लोग का दौर है तो जब तक हम लोग इस चीज को हाथ में नहीं लेंगे तो आगे हम लोग का भविष्य खराब हो जाएगा, तो उस चीज को एक्टिवली देखिएगा और साइकिल को वोट दीजिएगा। ठीक ठीक थैंक यू। अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी नुसरत अंसारी के उनकी जगह पर नामांकन करने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने नुसरत अंसारी को अपना राजनीतिक वारिस भी घोषित किया था। नुसरत भी पूरी तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। खासकर महिलाओं के बीच जाकर वो जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। बड़ी महिलाएं हमारी बेटी हैं बुजुर्ग उन सबको नमस्ते। देखिए हम अफजाल अंसारी की सिर्फ बेटी नहीं है, हम आप सबकी बेटी हैं और गाजीपुर की एक एक जनता हमारा परिवार है और जब परिवार में मुसीबत आती है ना तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और क्योंकि आज हमारे पूरे गाजीपुर के परिवार पर मुसीबत आई है तो हम सबको इकट्ठे खड़े होना होगा और सबके लिए लड़ना होगा। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है जिसकी कोई हद नहीं है, हम सब उससे जूझ रहे हैं, हर रोज उसी में जी रहे हैं, इसलिए वक्त बदलना है, आप लोगों को ये सरकार बदलना है। हम लोग तो डट के सामना करते रहेंगे, आप लोग से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप लोग हमारा हाथ बनिए, हमारा पैर बनिए, हम लोग को मजबूत कीजिए कि हम लोग आगे बढ़े और आप लोगों की आवाज उठा सके। तो इसलिए आप सबसे बस इतना ही निवेदन है कि पहली जून को जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो साइकिल के बटन पे वोट दीजिएगा और अफजाल अंसारी को जिताइए। बता दें कि गाजीपुर जनपद में सबसे अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाने हैं। यहां सपा से अफजाल अंसारी और बीजेपी से पारसनाथ राय के बीच कड़ा मुकाबला है, साथ ही अफजाल अंसारी पर मुकदमों की सुनवाई के चलते सजा की तलवार भी लटक रही है, इसीलिए उन्होंने अपना राजनीतिक वारिस बड़ी बेटी नुसरत को बनाया है। लेकिन अब उनके चुनाव प्रचार में बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी नूरिया अंसारी भी कूद गई है। बता दें कि नूरिया पेशे से मनोवैज्ञानिक है, इसी साल जनवरी में उनकी शादी हुई थी। नूरिया की शादी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ पहुंचे थे, तभी से इन बातों को लेकर अटकलें चल रही थी कि बीएसपी के सिंबल पर 2019 का चुनाव जीतने वाले अफजाल अंसारी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और ऐसा हुआ भी। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और अब उनकी बेटियां चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं। NBT ऑनलाइन के लिए गाजीपुर से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।